बढ़ते आगे, प्रदेश कांग्रेस में मांगों का दौर चल रहा है। यूथ कांग्रेस 20 सूत्री निगरानी समिति बोर्ड निगम और आयोग में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। प्रदेश कांग्रेस के बाद अब राष्ट्रीय नेतृत्व तक बात पहुंचाई जाएगी। अब यूथ कांग्रेस मांग रहा हिस्सेदारी, 20 सूत्री या निगरानी समिति में हिस्सेदारी, बोर्ड निगम और आयोग में भी हिस्सेदारी, राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएगा अपनी बात। यूथ कांग्रेस के साथ अन्य प्रकोष्ठ भी मांग पर अड़े। झारखंड में जल्द ही 20 सूत्री एवं निगरानी समितियों का गठन होना है। इसके बाद बोर्ड निगम आयोग का गठन होगा। इस बीच यूथ कांग्रेस ने इन सब के बीच अपने पदाधिकारियों के लिए दावा ठोका है। जितना भी अधिकार युवा कांग्रेस का उसमें बनता है, उस अधिकार के अनुपालन में प्रतिनिधित्व बोर्ड निगम आयोग बिसूत्री निगरानी सब में मिलना चाहिए। और देखिए, युवा ही इस देश का भविष्य है और यूथ कांग्रेस के इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति ने अपने आप को साबित किया है। और मुझे प्रभारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि यूथ कांग्रेस को उचित मान सम्मान मिलेगा। यूथ कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के अन्य मोर्चा प्रकोष्ठ भी अपनी दावेदारी में जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता सह राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि फिलहाल बोर्ड निगम के बंटवारे से पहले 20 सूत्री का गठन होगा। 20 सूत्री और निगरानी की कमेटी गठन करने का पहल चल रही है। बोर्ड और निगम के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। और निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, शहरी क्षेत्र से लोग जुड़े हैं, और बहुत दिनों से जो लोग जुड़े हैं, अलग अलग हमारा प्रकोष्ठ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि युवा हो गया, महिला हो गया, इनसही हो गया, तो सारे लोग का चाहता है कि अकोमोडेशन। और हम लोग सोच भी रहे हैं कि सारे लोगों तक अकोमोडेशन संभव नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को लाया जाए। यूथ कांग्रेस की कार्य समिति की बीते दिनों हुई बैठक में भी संगठन के लोगों ने अपनी भागीदारी की बात उठाई थी। इस मसले पर जल्द ही यूथ कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष से बात करेगा। उम्मीद की जा रही है कि 20 सूत्री के गठन में कुछ जिलों में यूथ कांग्रेस को तरजीह दी जा सकती है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एक बार फिर से सहयोगी विपिन का रुख करते हैं। विपिन, प्रदेश कांग्रेस में मांगों का दौर चल रहा, अब यूथ कांग्रेस ने 20 सूत्री निगरानी समिति बोर्ड निगम और आयोग में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, झारखंड यूथ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कल बैठी थी और इस बैठक में ही ये बातें उभरी कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब युवा कांग्रेस ने कई जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था, चाहे वो विधानसभा के घेराव की बात करें या फिर महंगाई से लेकर अन्य मसलों पर राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कही हो, या फिर जब विधानसभा के चुनाव रहे हो उस वक्त यूथ कांग्रेस के संगठन ने जो भूमिका निभाई थी। और अब जबकि सरकार जब अपनी होती है तो ऐसे में ये स्वाभाविक दावा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर वो सरकार में हिस्सेदार हो तो वो भी चाहेंगे कि सरकार के जो महत्वपूर्ण बोर्ड निगम आयोग या फिर 20 सूत्री और निगरानी समितियां होती हैं उसमें उनके दल का प्रतिनिधित्व हो। जाहिर सी बात है कांग्रेस यहां पर रूलिंग पार्टी है, जो गठबंधन सरकार झारखंड में चला रही है उसमें जो बात की जाए तो कांग्रेस जो है उसने वो भी सरकार में शामिल है। कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्री इस सरकार में शामिल है। और अब जबकि निगरानी समिति 20 सूत्री के गठन की बात हो रही है तो ऐसे में यूथ कांग्रेस ने भी अपने तरफ से यह दावेदारी की है कि बोर्ड निगम आयोग का जब गठन हो, 20 सूत्री निगरानी समितियों के गठन की प्रक्रियाएं जब पूरी हो तो ऐसे में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की बात करें, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो इनको भी यहां पर जगह मिलना चाहिए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि युवा कांग्रेस अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी इस बाबत बातचीत करेगी कि जब झारखंड में कवायद चल रही है कि बोर्ड निगम आयोग का गठन हो तो ऐसे में युवा कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी ये मौका मिले जिससे कि युवाओं में ऊर्जा का संचार होगा और इसी जरिए संगठन तो मजबूत होगी ही होगी और आने वाले समय में बड़े संख्या में लोग भी जो है वो युवा कांग्रेस से जुड़ सकेंगे और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी जो पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं उन्हें भी एक मौका मिल पाएगा कि वो संगठन उन्हें इतनी तवज्जो देगा कि वो सरकार के अगर हिस्सेदारी में अपना सहयोग निभाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार संगठन दोनों को इसका लाभ मिलेगा।
जी चलिए, तो यूथ कांग्रेस भी बैठकें कर रहा है और उसे भी हिस्सेदारी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका। बोर्ड निगम 20 सूत्री, तो आयोग में भी हिस्सेदारी की मांग यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। यूथ कांग्रेस चाहता है कि यूथ कांग्रेस को यहां पर जगह मिले, अन्य प्रकोष्ठ पर भी इन्हें, अन्य प्रकोष्ठ भी इन जगहों पर दावेदारी करता नजर आ रहा है। नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा बात। यूथ कांग्रेस के साथ अन्य प्रकोष्ठ भी मांग पर अड़े हैं।